ये हमारी कार है, ये हम हैं, और यह हमारी फारे हो रही है। भी सीख गई है। गौर से देखो इस मासूम चेहरे को। क्यों? जो गए थे एक सामान लेने। और बाहर हो रही है झमाझम बारिश और यहाँ पे मैं कर रही हूँ काम। और ये जो वैलेंटाइंस डे वाले दिन साहब बुके लेकर आए थे ना, एक एक गुलाब बहुत अच्छे से खिल गया, ट्यूलिप्स जो है ना वो भी खिल गए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये, सो प्रिटी। एक बार मैंने पानी चेंज किया इसका। और ये वाला जो हमारा प्लांट है इसके ऊपर भी प्यारे प्यारे से फूल जो हैं वो खिलने लगे हैं। इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, जब छोटे छोटे फूल खिलते हैं ना, ओ माई गॉड, दे आर जस्ट लाइक बेबी। इनको देखना ही इतना अच्छा लगता है, लविंग इट। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये हैं कुदरत के रंग। सुबह इतनी तेज़ बारिश थी, मैंने आप लोगों को दिखाई, और अभी देखिए सूर्य देवता कितने अच्छे से निकले हुए हैं। बहुत प्यारी धूप हो रही है, और धूप में आज गर्माहट है क्योंकि हवा बहुत कम है, तो बहुत प्यारा सा वेदर हो गया है। मन कर रहा है कि बाहर खाट बिछा के ना और खेस लेके ओढ़ के लेट जाओ। हेलो अगेन, सो वी आर रेडी, अद्वि भी रेडी हो गई है। हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली बाहर, आकांक्षा के घर तक जा रहे हैं। अंदर तो जा नहीं सकते, अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से बाहर ही हम लोग मिल के आ जाएंगे, लाइक दूर दूर से, सोशल डिस्टेंसिंग वाला। एक्चुअली हमें थोड़ी सी बुक जो है ना वो पिकअप करनी है बैन के पास से। बैन के पास कुछ बुक्स रखी हुई हैं, और अद्वि के पास जितनी भी थी ना वो सारी पढ़ चुकी है, तो मैं कहा चलो बैन के पास हैं तो फिर वहाँ से ले आते हैं, पढ़ के फिर वापस कर देगी। तो बुक्स हम कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, आउटिंग हो जाएगी, वेदर अच्छा है। और आप लोग फिर पूछते हो कौन सी लिपस्टिक लगाई हुई है, तो मैं रेडी हो रही थी तो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, तो मेबलिन का है 965 शेड, और सिरीन इन स्कारलेट मैट फिनिश ये है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसा इसका कलर है, लाइक इसको आप और डार्क भी लगा सकते हो अगर दो तीन लेयर करो, बट दिस इज सच ए ब्यूटिफुल शेड। और ये आई थिंक साहब ने मुझे गिफ्ट करी थी करवा चौथ 2019 पे, तो वो लेकर आए थे ये वाली लिपस्टिक, और ये हमने मॉरिसन से ली थी, तो सच ए ब्यूटीफुल शेड। तो मैंने तो बस एक ही कोट किया है, वो भी हल्का सा, बट अच्छा लगता है ये। चलिए रेडी शो ना, चलिए चलते हैं। बाहर से धूप मस्त आ रही है, ऐसे अच्छा आता है। चलो तो आज क्या है, धूप का मैंने फायदा उठाया है, और जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं छोटे छोटे बेबीज, इन सभी को मैंने धूप में रख दिया है। हफ्ते दो हफ्ते में मैं ऐसा करती रहती हूँ, तो इनको धूप लग जाती है एक दो हफ्ते में, और ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो डाइनिंग टेबल पे रख दिए मैंने, और कुछ जो यहाँ इस विंडो में रहते हैं ये थोड़े से इधर सरका दिए ताकि धूप लगे, क्योंकि उधर वाले कोने में नहीं आती है। और दो जो हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं क्योंकि थोड़ी देर में धूप यहाँ पे आने वाली है और काफ़ी देर तक रहती है,
और उधर किचन की विंडो वाले, और जो हमारे बेडरूम वाले हैं वो मैंने अदवी के रूम में रख दिए हैं क्योंकि अदवी के रूम में बहुत अच्छी धूप आ रही है तो उनको वहां से धूप लगेगी। तो ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं, ये भी जरूरी है। और सच में मौसम बड़ा सुहाना है। ये दोनों जा चुके हैं गाड़ी में, बस मैं अभी लॉक करके चली रही हूँ। गार्डन की हालत देखो कैसी हो रही है। मौसम सही सा हो तो एक दिन गार्डन की भी हालत सुधारे, कुछ ठीक ठाक करें। हम लोग ये सारे प्लांटर्स भी जो है ना वो इस बार शायद चेंज करेंगे, लेट्स सी। पर पूरा गार्डन उथल पुथल है, निकलना होता ही नहीं है बाहर। चलो जी चलते हैं, अदवी के लिए बुक्स जो हैं वो लेकर आते हैं। बुक्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेट अवे मॉरिसन। एक दो सामान उठाना है और एक सामान ऐसा है जो मैं पिछले दो हफ्ते से साहब को बोल रही हूँ। हमारा होता है ना कि हाँ सामान ख़त्म होने वाला था तो हम पहले बोलना शुरू कर देते हैं, बट मैंने इनसे कहा कि वॉशिंग लिक्विड लेके आना, तो ये भूल गए पहली बार में। दूसरी बार में इन्हें ध्यान रहा तो मैंने कपड़े धोने का बोला, ये बर्तन मांजने के लिक्विड की दो बोतल उठा के ले आए। और अभी ना अदवी का बर्थडे, सारी चीज रही ना, तो पिछले तीन चार दिन से कपड़े धुले ही नहीं, तो इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो और घर में लिक्विड है नहीं, तो मैं कहा आज तो साथ ही चलूंगी लिक्विड लेके आऊंगी, नहीं तो पता नहीं फिर क्या उठा के लेके आओगे। तो ऐसे है हमारे पति देव, बर्तन मांजने का उठा के लेके आए, कपड़े धोने का कहा था इनसे। देख लो भाई, दो सामान बोल के आई थी। और ये ट्रॉली क्या कर, देखो ये ट्रॉली भर दी आके यहाँ पे, जो लेना था वो अभी लिया नहीं। अभी हमें मोरी के लिए कपड़े देख रहे हैं। लो भाई तेरा लिक्विड आ गया। कर सेलेक्ट कौन सा लेना है। वो वाला नहीं है, स्टेन्स वाला नहीं है। पर मम ये तो रहे सारे, वो स्टेन वाला नहीं है। मम तो फाइनली हमारी सारी शॉपिंग जो है वो हो गई है, बट अभी हम फ्रोजन सेक्शन में जा रहे हैं। हां नहीं, ये भी कौन सा है, रिमूव स्टेन फर्स्ट टाइम मटर, वो लो। नो ये वोंकी वाली नहीं, गार्डन पीस वो था ना जिसमें जिप पैक था। सॉरी आई एम रियली सॉरी, बड़ा वाला। हाँ ये वाला, ये दिस वन सेट right at the beginning of this video, only two things. Returns home with a trolley with this. Look at this. Is this two things to you? Yeah, these are just two things. Just two things.
वन बिस्किट और वन ब्रेड। ये हमारी शॉपिंग ट्रॉली है, ये हम है, और यह हमारी पार्टी होने वाली है। रिसन का कैफे है जो फिलहाल सिर्फ टेक अवेज के लिए ओपन है, पर घर ले जाके खाने में वो मज़ा नहीं है जो यहाँ बैठ के खाने में मज़ा था ना। सब कुछ बंद है। चलो जी चलो। शॉपिंग होगी हमारी। हमें जो था वो 5-6 pounds का लिक्विड लेना था, वॉशिंग अप लिक्विड, नॉट वॉशिंग अप लिक्विड। लुक, इट्स नॉट माय फॉल्ट। अच्छा मैं ये तो उतार लूँ हम। हाँ तो अपनी कार है, कुछ नहीं है। वो लेना था हमें, दूध लेना था और ब्रेड, ये तीन चीज थी। फ्रोजन मटर खत्म हो रही थी, ये लेना था। और कितने का बिल फटा हमारा? 5-51 हो गए भाई। तो 51 pounds का हमारा बिल फटा। अच्छा होता मैं वॉशिंग अप की जगह वॉशिंग कर देता। वो अपना लगाता, वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। तो बट मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा सीधी हूँ। मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। इनके लिए जैकेट मिल गई बहुत अच्छी। अदवी की एक दो ड्रेस जो सेल में हो रही थी वो मिल गई। तो अपने लिए देखो मैंने कुछ नहीं लिया। मार्केट में जो सेल है ना, ये बहुत गलत है, ये सेल नहीं होनी चाहिए। सेल और लेडीज के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता है। ठीक है, गहरा नहीं रिश्ता, वो परमानेंट फिक्स रिश्ता है, बिल्कुल गहरा नहीं है वो। सेल तो ऐसे चीख चीख के बुलाती, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ले लो ले लो। तो होगी हमारी शॉपिंग, अभी हम घर चलेंगे। गए हम लोग, और आने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें वॉश कर दी हैं, जो क्लीन करने वाली थी वो क्लीन कर दी हैं। और पीछे आपको शोर आ रहा होगा क्योंकि एयर फ्रायर भी चल रहा है और अवन भी चल रहा है लंच की तैयारी में। साहब ने शावर नहीं लिया था तो उन्होंने आके शावर ले लिया है। मैंने अपने आप को अच्छे से क्लीन कर लिया है, स्टीम कर लिया है, तो वी ऑल आर सैनिटाइज विद ऑल द आइटम्स। तो सब कुछ हो गया है। हाँ गौर से देखो इस मासूम चेहरे को। जो गए थे एक सामान लेने, वो क्या है, कार्ट भर के लेके आए हैं, और जो जरूरी सामान था वो नहीं आया। वो नहीं आया है, आया है बट जो चाहिए था वो वाला नहीं आया। कॉम्प्रोमाइज। हाँ रेड अनियन रह गई यार, फिर भी रह गई। तो अच्छा इन्होंने ये भी चला रखी, ये इतना शोर करती है चिमनी के बस पूछो ना। देखो तूफान तो इसी से आया हुआ था। नहीं हाँ एयर फ्रायर भी बंद हुआ। अच्छा अभी तो आज क्या चल रहा है? ओए ये ना डालियो नीचे का, ये मैंने साफ कर रखा है। ये पिज्जा बना के बताने हमें क्या क्या खिलाते हैं फिर। साफ किया ना। तो ये पिज्जा बना रहे हैं अदवी का वन में, यहाँ पे अनियन रिंग है और वहाँ पे है गार्लिक ब्रेड। तो ये ना प्लेन वाला आता है, मैंने पहले भी कई बार दिखाया, सिर्फ चीज और टमाटो होता है इसके ऊपर, और हम घर लाके इसमें बहुत सारी टॉपिंग करके और अपना मजेदार सा पिज्जा बना लेते हैं। तो आज हमारी पिज्जा पार्टी होने वाली है, और अदवी जो है वो बुक्स में लगी हुई है, अपना बुक्स पढ़ रही है। चलिए अब पिज्जा रेडी हो जाए क्योंकि भूख लग रही है। टाइम देख लो क्या हो रहा है, 3:15, 3:30। ओ ये 3:30 हो गए, कहाँ से? तो 3:30 हो गए। तो अब पेट में चूहे बिल्ली कुत्ते घोड़े बेचारे दौड़ दौड़ के थक गए, वो बहुत भूख लग रही है। मैं तो सो गए बेचारे, बस अब हम टूट पड़ेंगे। शाम की चाय बना रही हूँ मैं, और टाइम हो रहा है 7:45। आज सारी चीज़ें इतनी उल्टी सीधी चल रही है ना, लाइक चाय हम टाइम से पी भी लेते। 3:30 हम लोगों का लंच जो है वो हो रहा था, बाहर निकलो तो इतना टाइम लग ही जाता है। तो 3:30 अदवी को उसका लंच सर्व कर दिया था, अपना पिज़्ज़ा जो है वो रखा हमने अवन में। सडनली साहब को ध्यान आया कि उनकी 4:15 से मीटिंग है,
फिर वो तुरंत भागे ऊपर, तो पिज्जा तो तैयार हुआ नहीं था, बोल रहे थे कि तू खा लेना जब हो जाएगा। तो पिज्जा हुआ तैयार बट फिर मैंने ओवन ऑफ करके उसको अंदर ही रखे रखा। ही केम बैक अराउंड मेरे ख्याल से 4:30 के करीब वो नीचे आए, फिर हम लोगों ने खाया, उसके बाद फिर से ऊपर चले गए। अभी मैसेज आया कि चाय बना ले दीपिका, तो अब ये नीचे आने लग रहे हैं। तो यस, शाम की चाय बनने लग रही है और यहाँ पे जो है वो मैंने राइस थोड़े से बॉईल कर दिए हैं। अद्विक को जो है वो पोटैटो फ्राइड राइस खाने हैं तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, हम लोग शायद नहीं खाएंगे क्योंकि एक तो पिज्ज़ा इतना लेट हो गया, बस अब चाय ले लेंगे, दैट्स इट। मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, ये खाएंगे तो थोड़ा बहुत फ्राइड राइस खा लेंगे। दिखा देती हूँ आपको लेके क्या आई हूँ। नॉर्मल तो ग्रोसरी का सामान है घर का, ये सॉक्स का है पेयर, 3 सेट थे इसमें, ये मेमोरी के लिए लेकर आए हैं, एक अद्वी ने ऑलरेडी पहना दिया। तो ये जितने भी कपड़े हैं ना सब हमने स्टीम कर लिए थे, हम आते ही स्टीम कर देते हैं कपड़े आते हैं तो। ओके, इसके बाद ये है साहब की जैकेट, ये बहुत ही लाइट वेट वाली है और ये बहुत गर्म होती है, एंड इट वॉज ओनली 10 pounds ये रिडक्शन में थी, तो मैं कहा ले लो यार सही रहेगी। उनको वैसे साइज जो है ना वो मीडियम आता है और इसका साइज जो है ना वो लार्ज था, मैं कहा ट्राई करके देख लेना, नहीं होगी तो चलो कोई बात नहीं रिटर्न कर देंगे, लेकिन ये सही है क्योंकि सिर्फ जैकेट तो पहनी नहीं जाती, अंदर कुछ ना कुछ वूलन पहना ही जाता है। और फिर इनकी दिक्कत ये होती है कि मीडियम साइज होता है ना तो वो थोड़ा सा ऊंचा आता है इनको, तो ये वैसे भी थोड़ी सी शॉर्ट वाली है, उनको शॉर्ट इतनी पसंद भी नहीं है, तो ये बिल्कुल फिट आई है उनको। तो एक ये जैकेट लेकर आए हैं और मैंने इधर ही रख लिए थे कपड़े, मैं कल आप लोगों को दिखा दूँ। ओके, एक अद्वी की मैं ये ड्रेस लेकर आई हूँ, ये वाली जीन्स के कपड़े में है, इस तरह से सेम ऐसी मेरे पास भी है, तो मेरा और उसका बिल्कुल मैचिंग हो जाएगा। तो एक ये लेकर आई हूँ, ये भी 4 pounds की हो रही थी सिर्फ। ओके, और उसी के साथ का मैचिंग ना मैं ये लेकर आई, मतलब और कहीं भी पहना सकते हैं बट ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, वूलन है ये, गर्म टॉप है, हाई नेक है, टर्टल नेक वाला, फुल स्लीव्स, नाइस, ये लिया है। और अद्वी की फुल ऑन शॉपिंग हो गई आज। और एक ये बहुत प्यारा सा ना ये डुओ सेट है, अंदर क्रीम कलर की ये टी शर्ट है इसमें और ये कॉटन फैब्रिक का ना बड़ा प्यारा सा स्कर्ट लाइक फ्रॉक टाइप है, बट ये शॉर्ट है कि नीचे लेगिंग के साथ आप इसको पहनाओ, तो बड़ा सुंदर लगा, बहुत ही प्यारा सा ना स्टार वाला डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर, तो ये सुंदर लगी चीज़ें और भी बहुत ही, बट ये था कि जो सेल में होती है ना साइज वगैरह नहीं मिलता है, तो यही था। तो चलिए ले आओ चाय, आगे ये भी चलिए चाय पीते हम लोग और फिर बनाते हैं पोटैटो फ्राइड राइस, पता नहीं वीडियो कितनी लंबी जाएगी, चलिए शेयर करती हूँ फिर आपके साथ इसकी अच्छी सी रेसिपी जो बहुत इजी है। मैं मोरी यहीं पे बैठा हुआ था, मैं कहा चलो दिखा दूँ आपको, तो ये अद्वी ने सॉक्स पहना दिए मैं मोरी को और उसके ऊपर उसके शूज भी डाल दिए हैं, तो मैचिंग हो गया, उसकी ब्लू सॉक्स होगी, ब्लू शूज, ब्लू उसकी टी शर्ट है और ये वाली हैट उसको बिल्कुल फिट आ रही है, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे उसने पग बांधी हुई है लग रहा है कितना क्यूट एक्चुअली यस कितना क्यूट वो लग रहा है ये। तो अद्वी ने रेडी कर दिया, अद्वी पहले डिसअपॉइंट हो रही थी, कह रही है सॉक्स छोटी ले आए हो, इसके पैर बहुत छोटे लग रहे हैं, मैं कह नहीं तू पहले शूज पहना अब इसको तो सही लगेंगे, तो शूज पहना के और बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो गए अभी ये, यस हो गए ना, नेक्स्ट वी नीड मिटन्स, यस मिटन्स, यस वी विल कट ऑफ द थंब पार्ट, यू विल सो इट एंड देन वी कैन स्लाइड इट ऑन मेमोरी। ओके, आप आ नहीं रहे कैमरा में, ऐसे आओ। ओके, देयर यू गो। तो अब मिटन्स भी चाहिए, फरमाइशें जो है वो पूरी होती नहीं है, है ना? Yes. चलो अगली बार जाएंगे तो मैं मोरी के लिए मिटन्स लेके आने पड़ेंगे, तब तक उसकी टी शर्ट पुरानी हो जाएगी, फिर उसकी टी शर्ट लेके आनी पड़ेगी, है ना? जम्पर बेटे इतना बड़ा नहीं है, उसको जम्पर कहाँ से आएगा, इतने छोटे मिलते भी तो नहीं है, मुझे कहाँ से लाऊं टेडी बेयर, बल्कि हमने प्रीमेच्योर बेबी वाला आज भी वहां मैं देख रही थी कि मुझे एक दो स्लीप सूट कुछ जम सूट कुछ ऐसा मिल जाए, नहीं मिला। प्रीमेच्योर बेबी का उसमें तो होता था, मदर केयर में तो होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई देता कहीं भी मुझे वो सेक्शन, तो मिला ही नहीं, देखते हैं बनाएंगे किसी कपड़े से। चाय होगी हमारी, चलो चाय छानते हैं, चाय 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 कड़क कड़क चाय, a million years later चाय चाय।
आज हम इन वाले कप में चाय पियेंगे। चाय चाय। ये कप कितने पुराने हैं यार, शादी भी नहीं हुई थी मेरी, जब मैं दिल्ली गई थी ना तब मैं ये कप लेके गई थी और ये तब से हमारे साथ है ये कप। How many years old is that? I went to Delhi in 2007. Wait. 14 years old these cups are. है ना? 14 years old. And touchwood अब तक इन पे एक खरोंच नहीं आई है। इंडिया से लेके देवबन से दिल्ली तक का सफर तय किया, फिर दिल्ली से लेके मेरे ससुराल तक का सफर तय किया, जब सारा सामान वहां गया, फिर ससुराल से लेके फिर दिल्ली तक का सफर तय किया एयरपोर्ट, और फिर दिल्ली से लेके मैनचेस्टर एयरपोर्ट, और उसके बाद फिर शेफील्ड तक का सफर तय किया। देख लो कितने मजबूत कप निकले, और हमारी देसी सी दुकान के हैं ये देवबन की, जो बाहर वो नहीं चबूतरे पे ऐसी कपों की दुकान जो होती है, उस दुकान से ऐसी लेकर आए थे, ऊपर में बहुत सारी चीजें रखी हुई थी वहां से। मम, हाँ जी, the more you know, I know, the more you know about this woman. She says two things, she buys 100. देख लो। पोटैटो फ्राइड राइस बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, जैसे ही तेल हमारा गर्म होगा थोड़ा सा हम उसमें हींग ऐड करेंगे, इसके बाद आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़े से करी पत्ता, एक दो हरी मिर्च लंबी कटी हुई, हल्का सा सॉटे करके थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, और इसके बाद पोटैटोज डाल के पोटैटोज को अच्छे से फ्राई करेंगे। सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, ताकि आलू जल्दी से गल जाएं, और ये रॉ पोटैटोज हैं, उबले हुए नहीं है। तो यहाँ पे आलू हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे उबले हुए चावल, और जो ये चावल है ये फीके हैं, मैंने नमक डाल के नहीं बॉईल किया है, तो जो आलूओं में मैंने नमक डाला है वो इसी हिसाब से डाला है कि चावल में वो पूरा हो जाए, तो आप उसी हिसाब से डालें, या तो पहले थोड़ा डालें अगर आपने चावल नमक के साथ बॉईल करे हैं, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर देंगे, और बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकने देंगे, और बहुत ही टेस्टी हमारे आलू फ्राइड राइस तैयार हो जाते हैं। क्विक फिक्स है, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, ट्राई करना, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इनका। हमारे टेस्टी पोटैटो फ्राइड राइस रेडी हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं दही के साथ और इमली की चटनी के साथ। अगर इमली की चटनी और दही के साथ इसको खाते हैं ना, इन्हों बहुत खट्टा हो जाता है, थोड़ा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है, बट एनी हाउ ये आपको चाट वाला टेस्ट देता है, तो ट्राई ज़रूर करना। बाकी दही के साथ तो ये बेस्ट कॉम्बो है। क्विक फिक्स पसंद है, घर में सभी को पसंद आता है, बच्चों को चावल आलू ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं, तो जब भी कुछ ऐसा हो तो बस ये बना दो, जब बनाने का मन ना हो, जल्दी से कुछ बनाना हो तो फटाफट बना दो। चलिए बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे हो रही है जल्दी उधर जाने की, क्योंकि जो मेरा फेवरेट शो है मेट्रो पार्क, उसका सेकंड सीज़न आ गया है, इरोज नाउ पे है, एंड आई लव इट। एक गुजराती फैमिली की स्टोरी है जो US में सेटल्ड है, फर्स्ट सीज़न ऑसम, मैंने 2-3 बार रिपीट कर करके देखा है, तो अब उसका सेकंड सीज़न आया है, आई थिंक 12 या 13 एपिसोड है, आई एम गोना फिनिश ऑल ऑफ देम नाउ, तो मुझे वो देखने की बड़ी जल्दी है, तो मैं जा रही हूँ उधर, और आई होप आपको आज की ये रैंडम डे व्लॉग वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। Till then, you guys take care, and we are sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. If you want, you can follow me on Facebook, Instagram, and Twitter for more life updates.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.